कोरोना काल के दौरान गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर आने वाले श्रमिक ट्रेनों के यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने में जीआरपी के कार्यों की सराहना करते हुए एडीजी रेलवे पीयूष आनंद ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान विभिन्न प्रदेशों से श्रमिक ट्रेनों से आने वाले यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने का जो काम जीआरपी ने किया है वह काबिले तारीफ है। एडीजी रेलवे ने कहा कि वह कार्य जीआरपी ने उस दौर में किया जब कोरोना का संक्रमण अपने चरम सीमा पर था और संक्रमण का खतरा बना रहता था। उस दौरान श्रमिक ट्रेनों से यात्रियों को सुरक्षित उनके घरों तक पहुँचाने में जो काम जीआरपी ने किया है वह काबिले तारीफ है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीजी रेलवे पीयूष आनंद ने कहा, ये आप लोग तो पूरा एरिया देखते हैं, आपने कई चीज़ें देखी होगी और हो सकता है किसी और थाने का जीआरपी के थाने का कोई चीज़ आपको अच्छी पसंद आई हो जो आपको लगता हो कि नहीं उसको हम लोग यहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं या कॉपी कर सकते हैं। हम पूरा प्रयास ये कर रहे हैं कि हर थाने में कम से कम 2 महिला कर्मी उपलब्ध रहे, दैट इज जिसे कहते हैं कि इमीडिएट टास्क है। तो उसके लिए हम लोग स्थापना जो शाखा है बेसिकली जो भी हमें मैन पावर जनशक्ति देती है वो स्थापना शाखा देती है, तो उनसे हम लोग संवाद स्थापित किए हुए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की संख्या में महिला कर्मी हमें मिले ताकि हम हर थाने में 2-2 महिला कर्मी दे सकें। और हमारे पास जो एम टी रोमियो टीम है उसमें भी हमारे पास एक हेड कांस्टेबल है जो गोरखपुर में है, तो गोरखपुर विभाग में सभी थान में 2-2 महिला कांस्टेबल्स हैं प्रेजेंट, वो अभी हुआ है संख्या के पास। अच्छा अच्छा, ये तो कुछ जगह में जैसे ना कि आगरा में डिस्पैच होगा तो वो प्रयास है कि हर थाने में कम से कम 2 रहे, वो कोशिश हम लोग कर रहे हैं। सब ट्रेनें आई हैं, बहुत ज़्यादा ट्रेनें आई हैं गोरखपुर में जी, और जीआरपी ने बहुत मेहनत किया है यहाँ पे जी, दिन रात मेहनत, उनके लिए कुछ कहेंगे? देखिए, मैं अभी सुबह मैंने सम्मेलन में जो अपने साथियों को कर्मचारियों को एड्रेस किया था तो मैंने यही चीज़ कही थी कि पिछले दिनों बड़ा मेहनत से और बड़ी ईमानदारी से जीआरपी के कर्मचारियों ने अधिकारियों ने काम किया है और जिसकी सराहना सब स्तरों पर हुई है, और ख़ासकर जो श्रमिक स्पेशल आए थे, काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग अलग अलग जगह से वापस अपने गंतव्य घर पे आए थे, उस समय जो है क्योंकि उस समय कोरोना काफ़ी विस्तृत स्तर पे फैला हुआ था और पुलिस का जब आदमी स्टेशन पे या प्लेटफॉर्म पे या कहीं पे भी ड्यूटी करता है तो उससे आदमी जब आप संपर्क में आता है तो उसको नहीं पता होता है जो संपर्क में आने वाला आदमी कोरोना की क्या कंडीशन है, और तब उसके साथ उसकी मदद करना, उसके साथ उसको हेल्प करके बसों में बैठाना, उसको ऑर्गेनाइज करना, तो डेफिनेटली ये मतलब जिसको तो जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है।